सब ठीक है, नीचे आ जाओ। ठीक है, आप अभी आता है। शर्मा साहब, वो लैंड कर रहा है, मैं खींच सकता हूं। ओके, आइए। क्यों विक्रम, आखिर आज तुम्हें प्लेन और माल के साथ पकड़ ही लिया ना? हाँ ठीक है, पकड़ लिया तो क्या हुआ, फांसी पे तो नहीं लटकाएंगे ना आप उनको? वो तो कोर्ट में ही देख लोगे। अरे कोर्ट में लेके जाएगा, लेकिन तू इतना जानता नहीं बिड़ू, अपना एक दोस्त है अमित जिसका नाम है, बहुत बड़ा वकील है इधर का, वो अपने को ऐसा निकाल लेगा ना जैसे मक्खन में से बाल, समझा क्या? माफी चाहता हूँ योर ऑनर, मेरी वजह से अदालत को इंतजार करना पड़ा, लेकिन मजबूरी थी। आ गया सर, अपन बोला था ना अपना बिड़ू आएगा, आ गया। देखो क्वाइट प्लीज, मगर ये सब क्या है? कुछ सबूत हैं योर ऑनर, और ऐसे ही बहुत से सबूत इस अदालत के बाहर गवाही देने के लिए खड़े हुए हैं। इस बच्चे को देख रहे हैं आप, इसकी उम्र 10 साल है योर ऑनर, और मैं इसे अभी अभी एक गली से उठाकर ला रहा हूं। यह बच्चा इतनी सी उम्र में सिगरेट पीता है, वो भी चरस भरी हुई। ये बच्चा अपनी चाय के साथ अफीम की गोली निगल जाता है, और ये जवान लड़का जब तक थोड़ी सी कोकेन ना चाट ले तब तक इसका शरीर इस तरह कांपता है जैसे इसे मलेरिया की बीमारी हो। इन तमाम बातों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित ये करना चाह रहा हूं योर ऑनर कि ये तमाम बच्चे जब इन्हें नशे की गोलियां नहीं मिलेंगी तो ये चोरी करेंगे, खून करेंगे, डाका डालेंगे। मतलब यह कि आने वाले चंद सालों में यह मुल्क एक मुजरिमों का अड्डा बनकर रह जाएगा। कुछ ऐसे लोगों की मेहरबानी की वजह से जो सिर्फ अपना फायदा देखते हुए इन बच्चों को बुरी आदतें अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं इन्हें नष्ट करने के। कौन है वो लोग? बहुत से लोग हैं योर ऑनर, फिलहाल उनका लीडर मेरा दोस्त विक्रम है जो इस वक्त मेरे सामने कटहरे में खड़ा हुआ है। क्या बकवास कर रहा है तू? तू या मेरा केस लड़ने को आया, मेरे को फंसाने को आया? मैं तुम्हें फंसाने नहीं आया हूं मेरे दोस्त, गुनाह के जिस दलदल में तुम फंस गए उसमें से निकलने आया हूं। यह मिली भगत है जज साहब, यह अपना वकील है ना, यह पुलिस के साथ मिल गया है, नाम कमाने के वास्ते इसने अपने को फंसाने का चाल चले ला है। कौन सी चाल चली है? मैंने इस बच्चे को चरस की आदत मैंने दी है, इसे अफीम और कोकेन का शिकार क्या मैंने बनाया है? और ऐसे ही जो 50 बच्चे बाहर खड़े हुए हैं उनकी जिंदगी क्या मैंने बर्बाद की है? योर ऑनर, हर बाप अपने बेटे से यही उम्मीद करता है कि एक दिन वो बड़ा होकर बुढ़ापे में उसका सहारा बने। कम से कम हमारे समाज ने तो हमें यही सिखाया है। हमारा मुल्क अपनी नई पीढ़ी से यह उम्मीद रखता है कि जब वो जवान हो तो देश की जिम्मेदारियों को संभाल सके, लेकिन जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस नई पीढ़ी को चरस, गांजा और कोकेन की आग में झोंक रहे हैं, तब तक हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। समाज के ऐसे दुश्मनों के साथ क्या करना चाहिए इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं योर ऑनर। दैट्स ऑल। विक्रम सिंह, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और गवाहों के बयान से यह बात साबित है कि तुम नशा लाने वाले विक्रम, मुझे गलत मत समझना मेरे दोस्त, यह सजा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। सुनिए
जानकी, अमित को फोन कर दिया ना? ओफो, वो आते ही होंगे। आप बिल्कुल हिलेगा नहीं हुजूर, प्लीज। आई एम सॉरी। मोना जी, हमारा हीरे का हार देना। ओ रानी साहेबा, नमस्ते रानी साहेबा। लगता है आज कोर्ट से जल्दी छुट्टी मिल गई। या जानकी, जानकी। हाँ, अरे आप कब आए? कहाँ खो गई आप? कितना खूबसूरत हार है देखिए। भाई खूबसूरत हार रानी साहिबा के पास नहीं होगा तो क्या हमारे आपके पास होगा? थैंक यू अमित। वैसे रानी साहिबा, इस हार की कीमत क्या होगी? कई साल पहले कुछ करोड़ों रुपए थी, अब पता नहीं कितनी होगी। मत खोलिएगा जी। हाँ, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये तो वही हार है महारानी पालनपुर का। जनाब, महारानी पालनपुर का ही हार है। हमने आपसे कहा था ना कि वक्त आने पर हम आपको हीरों का हार लाकर देंगे, सो ले आए। मगर इसकी कीमत हम 10 जन्म में भी नहीं चुका सकते। हमने तो इसी जन्म में पूरी कर दी ना। कहाँ से लिया है? बाजार से। पैसे कहाँ से आए? बैंक से। बैंक से? बैंक में तो मुश्किल से 5,000 रुपए हैं। ये तो करोड़ों का हार है। आप क्या समझती मैं इसे चुरा के लाया हूं? भाई कीमत अदा की है इसकी, बाकायदा रिसीट लेकर आया हूं जो कि इस वक्त मेरे कोट के ऊपर वाली जेब में। निकल। हाँ? 1500? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझी आप सचमुच वही हीरों का हार लिया है। देखिए बीवी साहिबा, अगर मेरी हैसियत होती तो वो हार क्या, मैं आपको सर से लेकर पांव तक हीरों से ला देता। लेकिन क्या करें भाई, बीवी साहिबा जो हैं वो झूठे मुकदमे लड़ने नहीं देती हैं और हमसे झूठ बोला नहीं जाता। लेकिन मेरे लिए तो ये हार उस हीरों के हार से बढ़कर है, क्योंकि इसमें आपकी शराफत और सच्चाई चमक रही है। हाँ चमक रही है, सब नकली ही रहे। नकली हुए तो क्या हुआ, मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि इसमें आपका प्यार है। ओ जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है।
जाती है। तो सरासर बेईमानी। हाँ बिड़ू तू ही देख लेना, तूने अपने को क्या बोला था, जेल से आने के बाद अपन शरीफ आदमी का जिंदगी पत्थर करने का क्या? अपन बहुत कोशिश किया पर ये लोग शरीफ आदमी के साथ बहुत शरारत करता है। सुनिए अपने दोस्त को चाय तो पिलाइए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई जानकी, यही है मेरा दोस्त विक्रम। भाभी बात ऐसी है कि अपन पढ़े तो साथ साथ है, अपन पढ़ लिख के भी अनपढ़ रह गया, ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा वकील बन गया क्या? अच्छा आप चाय तो पीजिए। चाय पियोगे? नहीं, चाय का टाइम नहीं यार, तू अपने को बोलना अभी क्या करने का। फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इससे बात करते हैं। नहीं बिड़ो बात करने का तो कोई फायदा नहीं, अपन जब उसको बोला ना कि अपन अपना वकील दोस्त के पास जाएगा उसके ये दिखाएगा तो तेरे नाम की तो 20-50 गाली दे दिया उसने। बोला ऐसा 10-12 वकीलों का अपन खीसे में लेके घूमता है और क्या बोला मालूम? बोलने का अपने वो कानून भी सिखाने की कोशिश करेगा ना अपन उसका थोड़ा बैन कर देगा। अच्छा हाँ हाँ बोला। चलो देखते हैं कैसे थोड़ा बैन करता है। कहाँ इस वक्त? वो अभी तो वो एंटी क्या बोले एंटी, हाँ वो इंडिया एंटी, हाँ हाँ एंटी हाउस में होगा अभी। एक काम कर बिड़ू तू उधर पहुंच जा अभी, मेरी क्या है मेरी वो मौसी जा रही आज काशी, तो मैं उसको स्टेशन पे छोड़ के सीधा उधर आता हूँ मैं। हाँ मैं आता हूँ उधर, तू जा। हाँ राजन, तुम विक्रम की जमीन मकान खेत वगैरह पर कब्जा करके तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो। कैसा धोखा? तुम दोनों नफा नुकसान में एक दूसरे के पार्टनर थे ना? हाँ थे। नुकसान में तो उसे साथ में ले लिया लेकिन जब फायदा हुआ तो उसका हिस्सा उसे नहीं दिया। कौन सा फायदा? पुलिस को खबर करके विक्रम को पकड़वाने का जो इनाम मिला था उसका। क्या? और एक बात समझ लो मिस्टर राजन, जो आदमी इंसाफ के लिए अपने दोस्त को जेल भिजवा सकता है वो उसी दोस्त को इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अबे जा, ये जेल की धमकी किसी और को देना, मैं विक्रम की तरह जाहिल और बेवकूफ नहीं हूं। वो तो जाहिर है, दरवाजा खुला छोड़कर जो आदमी इन मंदिर से चुराई हुई मूर्तियों में कोकेन के पार्सल भर सकता है वो अकलमंद ही हो सकता है। खैर तुम क्या और किस लायक हो इसका फैसला तो अब पुलिस ही करेगी। फैसला पुलिस नहीं मैं करूंगा, टेलीफोन नीचे रख दो। अमित, अमित ये क्या कर दिया तूने? खाली पीली बिचारे की जान ले ली? नहीं नहीं विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो ये सिर्फ कहा था इसे समझाने के लिए, ऊपर भिजवाने के लिए थोड़ी बोला था। लेकिन विक्रम गोली मैंने नहीं चलाई। अरे मेरे सामने तूने इसे गोली मारी और तू बोलता मैंने गोली नहीं मारी? नहीं विक्रम, पता नहीं गोली कैसे चल गई। ठीक है मैं मान लूंगा तेरी बात, लेकिन ये सब देखकर, इस पिस्तौल पर तेरी उंगलियों के निशान देखकर कोई मानेगा तेरी बात? सबूत है तेरे पास? तुम विक्रम, तुमने तो सब कुछ देखा ना, तुम मेरे सबूत हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? दोस्त? जिस वक्त अपने को जेल भिजवाया था उस टाइम दोस्ती वोस्ती सब भूल गया था बड़ो? विक्रम वो तो मैंने तुम्हें एक इंसान बनाने के लिए किया था। अरे जा यार, जिस माँ ने अपने को जन्म दिया वो आज तक अपने को इंसान नहीं बना सके, तू क्या बनाएगा? चल तो फुट जाए ऐसे। नहीं विक्रम मैं नहीं भागूंगा यहाँ से। जेल बहुत गंदी जगह बाप, अपन अभी भुगत के आया वहां से। किसी को भिजवाना बहुत आसान है लेकिन खुद भुगतना बहुत मुश्किल है। मेरी मान, तू जाए यहां से। नहीं विक्रम, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है अपने लिए मत जा, भाभी के बारे में सोच, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच, उनके बारे में सोच, जा भाग।
अब क्या होगा? लेकिन जानकी, मेरे पास कोई गवाह नहीं जो ये साबित कर सके कि खून मैंने नहीं किया। एक एक विक्रम था, वो भी मेरे खिलाफ गवाही देने जा रहा है। अब क्या होगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी, लेकिन यहाँ से दूर। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं जानकी, इस हालत में तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। अबे कौन जाने मुझे कहाँ कहाँ ठोकर खानी पड़े। मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। जानकी मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जानकी, जानकी, एक्सक्यूज मी, आप जरा हटिए, मैं डॉक्टर हूँ, आप हटिए। घबराइए मत, आप जरा एक गिलास पानी ले आइए। ऐसी हालत में ऐसा ही होता है, आप एक गिलास पानी लाइए। अच्छा। एक ग्लास पानी देना भाई। साहब, पानी साहब। भगवान ने चाहा तो कल फिर मिल भी जाएंगे। नहीं, मुझसे उनके बगैर एक पल भी नहीं जिया जाएगा डॉक्टर। जानकी, ये लो, ये तुम्हारे पति की अमानत है, इसे पालो, इसे एक अच्छा इंसान बनाओ, और जब वो मिल जाए तब उनको इसे तोहफे में दे देना। Thank you.
मेरी बच्ची को बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, पर मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति न मिलती। तुम एक महान इंसान हो। आपको आपको कुछ नहीं होगा। ये दौलत, ये जायदाद तुम्हारे हवाले, आज से तुम राणा हो। बीबी जी, वो गार्डन हाउस में है। ओके। बहुत बहुत मुबारक हो। नमक हराम, तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। अरे बेटी, मगर तुम जाओ यहां से। इसे मैंने कहा था। आपने कहा था? हाँ बेटी, हर साल इसी दिन मैं अपने शरीर पर कोड़े बरसाकर अपने आप को सजा देता हूं। अपने आप को सजा देते हैं, लेकिन क्यों? प्रायश्चित, प्रायश्चित बेटी। मेरी बीती हुई यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, डंक मारने वाले बिच्छू की तरह मेरे जहन से चिपकी हुई रहती हैं। अंकल, मैं पापी हूं बेटा, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। आज इसी दिन मैं अपनी बीवी और उसके कोख में अपने बच्चे को बुजदिलों की तरह छोड़कर भाग आया था। वो नदी में डूबकर मर गई और मैं देखता रह गया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, समाज का, दुनिया का? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का जो मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी? अंकल, बस कीजिए अंकल, बस कीजिए। मेरा भी तो सब कुछ छिन गया था अंकल। पैदा होते ही मां मर गई और एक साल के अंदर अंदर पिताजी। आज अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे पलती? आपको पाकर मैं अपनी बीती हुई जिंदगी भूल गई अंकल। क्या आप मुझे पाकर अपने पुराने जख्मों को नहीं भूल सकते? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते अंकल? मेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है बेटी? तुम्हारा मासूम प्यार ना मिलता तो मैं कब का मर गया होता।
लो इंस्पेक्टर शंकर आ गया। तुम गूंगे हो, डंडा उठाओ। जानते हो क्या है, हिंदुस्तान भर में जितने मुजरिम हैं इसे सुलेमानी डंडा कहते हैं। इसे देखते ही गूंगे की जबान खुल जाती है, अंधे को दिखाई देने लग जाता है और लंगड़ा जो है 100 की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। मैं इसे अभी अभी एक आदमी के पेट से निकाल के ला रहा हूं। हाँ, वो भी तुम्हारा इतना गूंगा था, जबान नहीं खुल रही थी उसकी। मैंने इस डंडे को उसके मुंह से लगाया, ऊपर से धक्का मारा, डंडा पेट में घुस गया, जबान खुल गई, सब कुछ उगल दिया। लेकिन हलक से लेकर पेट तक सिर्फ 3 फुट चीर कर ऑपरेशन करना पड़ा, उसके बाद ये डंडा बाहर आया। क्या कहते हैं, हो जाओ शुरू। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। इस धंधे में तुम्हारे साथ और कौन कौन है? कोई नहीं मेरे साथ। नेपाल से जो कोकेन हिंदुस्तान आ रही है वो किस फ्लाइट से आ रही है? किस फ्लाइट से आ रही है? फ्लाइट नंबर 412 से। कौन ला रहा है? प्रेम, प्रेम, प्रेम ला रहा है। ये बैग मुझे दो। नहीं दूंगी। बैग दो मुझे। बैग छोड़, नहीं तो तेरा। छोड़ दो मेरा बैग, छोड़ दो मेरा बैग। हेल्प। डंडा पकड़ लो इसे।
इस लंबू का बैंड बजा दो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। आए लड़की, तमीज से बात कर समझी? बड़े आए तमीज सिखाने वाले। मैं फोन करना चाहती हूँ। ये पुलिस स्टेशन है, कोई फाइव स्टार होटल नहीं। कभी देखा है फाइव स्टार होटल जिंदगी में? हमारे हैं पांच छह होटल, जिसमें तुम्हारे जैसे लोग नौकरी करते हैं। अगर बदतमीजी का एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा तो फिर मुझे फोन करने दो ना। ये कहां का कानून है कि किसी को लाकर अंदर बंद कर दिया और उसे बचाव करने का मौका तक नहीं देते? हाँ, ऐसे बात करो। चलो, अवलार।
प्रेम नाम है उसका, काठमांडू से 412 पे आया, ग्रे रंग की एम्बेसडर थी, DLZ 2314। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब पता चलेगा कौन हूं मैं। hey, चलो उधर। जाती हूं, ये यूं यूं उंगली किसको दिखा रहे हो? तुम इंस्पेक्टर थोड़े हो, जल्लाद हो जल्लाद, ब्लैंक फेस। अरे शंकर, ये क्या किया तुमने? मां तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने मेरी एक मेहमान को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे मेहमान? हाँ, उसका नाम मंजू है। मंजू? मैं मंजू हूँ। देखो माँ, इसके बैग में कोकेन है, ये यहाँ के स्मगलिंग गैंग की मेंबर है। क्या उल जुलूल बक रहा है, ये नेपाल के रईस राणा रणबीर सिंह की बेटी है। आपको कैसे मालूम? अरे कई महीनों से इनके खत मेरे पास आते रहे हैं, दुनिया भर में तो इनके कारोबार फैले हुए हैं। उस खानदान की एकलौती बेटी अपने बैग में कोकेन लेकर आएगी भला? मैंने तो पहले ही कहा था आंटी, लेकिन इनकी खोपड़ी में बात नहीं आई। सोचता क्या है, छोड़ इनको। अगर जमानत किसे कैसे छोड़ दूं? मैं देती हूँ जमानत। आप? हाँ मैं। देखो माम, गड़बड़ हो जाएगी, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं माम, मैं ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो ढंग की जमानत चाहिए। ढंग की जमानत का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? मैं जानकी देवी, फेमस कल्चरिस्ट पेंटर, BRKRIBA नेशनल अवार्ड विनर। मैं मंजू की जमानत देती हूँ, आप कागज दीजिए, मैं साइन करती हूँ। कमाल के आदमी हो, अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते तो दूसरों का क्या हाल करोगे? उधर आई एम सॉरी बेटी, चलो। वैसे उन्हें मुस्कुराए हुए कितने साल हो गए? क्यों? नहीं, लगता है हंसने और मुस्कुराने की प्रैक्टिस छूट गई है। अच्छा बेटी, तुम किसका पुतला बनवाना चाहती हो? मेरे स्वर्गवासी पिताजी का। ओ, उनकी तस्वीर लाई हो? जी हाँ। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? आंटी, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई, मैं एक साल की हुई तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मुझे मेरे अंकल ने पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। बहुत महान आदमी है वो। अच्छा जी आंटी, आप जब उनसे मिलेंगी तब यकीन आएगा आपको। ये देखिए उनका फोटो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। हेलो मिसेस गुप्ता। हाँ, कैसी हो? सुना है तुमने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है। जी हाँ, सब कहाँ इकट्ठे होंगे? मेरे यहाँ चंद्र दर्शन के लिए। वो मिसेस जगदीश है ना, वो भी आना चाहती है। मिसेस जगदीश? हाँ हाँ, मैं बता दूंगी, उनका नंबर क्या है? 39। एक मिनट, 39 5 8 4 6। हाँ तस्वीर में तो मुस्कुरा गया, ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर ने कड़वी दवाई पीने को दे दी है। कभी कभी मुस्कुराया करो, इससे सेहत अच्छी रहती है। थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और। अरे इतना ज्यादा नहीं, जबड़ा फट जाएगा। थोड़ा कम, हाँ हाँ, ये बराबर है। बेटी किससे बातें कर रही हो? जी किसी से नहीं, मैं तो आपसे ये पूछने वाली थी कि आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं तो, मेरा बेटा जो है। और आपके पति? वो आजकल यहाँ नहीं है। वो भी पुलिस में है? नहीं, वो वकालत करते हैं। आंटी आप तो बिल्कुल नरम मिजाज की लगती हैं, लगता है आपके बेटे बिल्कुल अपने पिता पर गए हैं। जी नहीं, मैं अपनी माँ पे गया हूँ,
उस आदमी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शंकर, तुम्हें मालूम है मुझे उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। जो सच्चाई है वो तो सुननी पड़ेगी मैम। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? उस आदमी के बारे में मैं क्या कहूं जो अपनी बीवी को उस हालत में छोड़कर भाग गया जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली, जिसने भूलकर कभी यह भी नहीं सोचा कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसे बाप की जरूरत महसूस होगी, उसके कंधे की जरूरत महसूस होगी, उसकी उंगली पकड़कर चलने की जरूरत महसूस होगी। दूसरे बच्चों को बाप की गोद में खेलता हुआ देखकर उसके दिल पर क्या बीतेगी ये उन्होंने कभी सोचा? वो मजबूर थे। वो मजबूर नहीं, बुजदिल थे मां। शंकर देखो मां, वो एक मुजरिम है और किसी दिन अगर उनका मेरा सामना हो गया तो पहले उन्हें हथकड़ियां पहनाऊंगा, बाद में बात। शंकर भाई गुंडा पेठा राउडी राघवन DTMS बोला। DTMS? हाउ डे टाइम मर्डर स्पेशलिस्ट। मगर पहलवान ये सब लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम इसलिए वकील कत्ल करने वाले को बचाते ही ना भाई, हम इस कत्ल कर को लाश ले को खंजर ले को तुम्हारे खाने आया हूं। मेरे को अभी इधर की इधर फांसी के फंदे से बचाओ भाई। मगर पहलवान मैं तुमको कैसे बचा सकता हूँ? बचाने के लिए मुझे कोर्ट के अंदर केस लड़ना पड़ेगा भाई। हाई नक्को बोला, मैं कोर्ट फोट नहीं जाता। तुम इस मेरे को इधर इस बचाओ। कोर्ट में जाने को मेरे पास टाइम नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को 5 खूना और करके सब लाशा इधर ही चिल्लाने का। 5 खून? अरे बाप रे, कोई और वकील ढूंढ, मेरे पास टाइम नहीं है। शास्त्री जी। यस बॉस। पहलवान ये है सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये लड़ेंगे तुम्हारा केस। जो केस मैं लड़ता हूँ उसका तो सत्यानाश हो जाता है, तुम इनसे लड़वा लो। नक्को बोला। तुम इस मेरे को बचाओ जी, नहीं तो एक बार मैं इसको फिराया नक्को तो तुम्हारा मुंडी उड़ को बाहर मुहल्ला में गिरेगा। उधर पोटे लोग तुम्हारा मुंडी को फुटबॉल समझ कर लाता मारे। छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पर। क्या कर रही हो माँ? शांति, ये आवाज तो गुरु की है। गुरु की आवाज ही नहीं बल्कि थोबड़ा भी गुरु का है। क्या माँ, कितनी मुश्किल से ये ड्रामा तैयार किया था, तुमने उस ड्रामे की टांग पकड़ के टांग ही तोड़ डाली। ये ड्रामा तैयार किया था जी, और वो लाश किसकी है? लाश ओ लाश लाश इंगे वा ये कौन है बेटा? मैं इनके नए नाटक की हीरोइन हूँ, तारा। आज जमीन का तारा, कल आसमान का तारा। देखा, इसे कहते हैं आर्ट, एक्टिंग, अदाकारी, फनकारी, हिदायतकारी। अभी बनाता हूँ तेरी सरकारी। क्या करते हो? बस करो, इतना बड़ा बेटा हो गया उस पर हाथ उठाते हो? अरे नहीं तो ये मुझे दुनिया से उठा देगा, निकम्मा जोकर, किसी काम का नहीं। अरे काम करने का मौका तो दीजिए, निकालिए 2000 रुपए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। एक ऐसा नाटक करूंगा जो जमाने को हिला के रख देगा, अपनी अदाकारी के वो जौहर दिखाऊंगा कि बस। जिस गली से आप निकलेंगे, छोटा बड़ा, औरत मर्द, बूढ़ा जवान, जमीन आसमान, हैवान शैतान कब्रिस्तान, सबके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, एक मामूली वकील का बेटा, स्टेज का बादशाह, एक मामूली वकील का बेटा, स्टेज का शाहिनशाह, एक मामूल। अरे मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। एक मिनट,
क्या कहा आपने? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं दूंगा। माँ, अगर मैं ये ड्रामा ना कर सका तो ये खून का ड्रामा मैं असल में बदल दूंगा। ये गंडासा मैं अपनी गर्दन से लगाता हूँ और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता हूँ। नहीं बेटा नहीं, 2000 रुपए के लिए क्यों मेरे बेटे की जिंदगी से खेल रहे हैं? अरे ये नाटक खेलने वाला क्या जिंदगी से खेलेगा? ये बात है तो चला गया सा। नहीं बेटा नहीं, अच्छा दे दीजिए ना 2000 रुपए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरी गोद मत उचाड़िए, मेरी गोद। अरे क्या मुसीबत है, ये नाटक खेल रहा है और तुम्हारी गोद उजड़ रही है। अभी लाता हूँ। माँ, जवाब नहीं तुम्हारा। कितना पुराना डायलॉग बोलकर तुमने मुझे आज बचा लिया। क्यों मेरी गोद उजाड़ रहे हो? वाह वाह, 100 साल से यही डायलॉग नाटकों और फिल्मों में पिट रहा है, लेकिन जब भी बोला गया है हिट रहा है। गलियन का धर्म अलग है, अलग है रीत रिवाज, का समझे ना समझे तो समझ लो हमसे, हम समझा दे आज। छोरी रानी हिया, हर छोरा राजा, हर छोरी रानी हिया, हर छोरा राजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा। गलियन की परियां देख उठे दिल झूम, बाबा क्या मजा, आवारा गलियन की परियां देख उठे दिल झूम, इतर पान गजरे की महक घुंघरू मुजरे की धूम, खन खन खनन खनन खन खन खनन 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 खनन, नटखट छोरी बनके चकोरी, चंचल गोरी कर दिल की चोरी, कभी लचक लचक कर, कभी चमक चमक कर, कभी झटक झटक कर, कभी मटक मटक कर, कभी लटकाऊ लटकाऊ, कभी झटकाऊ झटकाऊ, कभी ठुमकाऊ ठुमकाऊ, कभी भटकाऊ भटकाऊ, लचक लचक चमक चमक झटक झटक मटक मटक, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई। हर छोरी रानी हिया, हर छोरा राजा, हर छोरी रानी हिया, हर छोरा राजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा। आसिक मासूक के झगड़े की मीठी तकरार, आसिक मासूक के झगड़े की मीठी तकरार, बात बात में बात बढ़े तो चले तेग तलवार, अरे चल गए
गई लाठी बड़ी मार गुलाटी, अरे चल गई लाठी बड़ी मार गुलाटी। शीर बायरा तमाचा कूच, शीर बायरा तमाचा कूच, शीर बायरा तमाचा कूच। बम 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 बम्बू ताड़ पत्रिका तंबू, कभी तड़ित ताम कभी सत्य काम कभी कुरुक्षेत्र का लंबू। तंबू तंबू तड़ित ताम सत्य काम कभी कुरुक्षेत्र का लंबू। बरजोरी करन सैया ओ बरजोरी करन सैया, ओ मेरी छोड़ छोड़ भैया छोड़ भैया, ओ पढ़ू भैया पलट तेरा ध्यान किधर है भाई। हर छोरी रानी हिया हर छोरा राजा भाई, हर छोरी रानी हिया हर छोरा राजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा। हे शिव शंभू, वो उठा ले टाल तमूरा और उखाड़ दे तंबू। हिया रात भर रास रचावे धर्म के ठेकेदार, सच तो ई है इन्हीं के दम से चले है ई बाजार। खबरदार होशियार थानेदार हवलदार पहरेदार और जमादार, पकड़ लो इन बंदरों को और सुनो सुनो इन घोंचू पाखंडियों की कार्यक्रम। अरे वड़की जिनको सुनकर टूट जाएंगे तुम्हारे सारे भरम। अरे दिन भर ये जोगी रे जोगी, रात भर ये भोगी रे भोगी, देखो रे देखो रूप के लोभी कैसे हैं ये ढोंगी रे ढोंगी, इनकी नजर में हम सारे हैं मूली गाजर आलू गोभी। हर छोरी रानी हिया हर छोरा राजा, हर छोरी रानी हिया हर छोरा राजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा, मगर कभी बजा नहीं हिया बैंड बाजा। तुझे तो जूतों के हार पहनाने चाहिए, इतना गंदा नाटक किया कि लोगों के सामने मेरा सर झुक गया। अधिक होते हैं फल जिसके झुका करती है वो डाली। बदतमीज मजाक उड़ाता है मेरा। क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर दीजिए, पुराना हिसाब किताब भूल जाइए, एक नया खाता खोलते हैं, 3,000 रुपए निकालिए, एक और नाटक करते हैं, द्रौपदी का वस्त्र हरण। बेशरम, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, निकल जा मेरे घर से और डूब मर चिल्लू भर पानी में। माँ क्या हुआ बेटा? देखो माँ, ये बेमुरव्वत संसार एक महान कलाकार को खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहा है। अरे खुदकुशी करे तेरे दुश्मन, तेरी माँ अभी जिंदा है। बस माँ, तुम्हारे ये प्यार भरे डायलॉग सुनने के लिए मैं जिंदा हूँ, वरना इन चंगेज खान को तो देखा देखा तुमने? सब देख रही हूँ, आप इधर आइए। आप शादी से पहले क्या थे? पता लिया ना? चुप। अजी राय साहब ने अपनी पोती के लिए जवाब मांगा है ना? अरे मैं तो भूल ही गया। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई सीन चेंज यानी कि साजिश। बेटे तू 3,000 रुपए की बात कर रहा है ना, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा। 1,00,000? हाँ। जरूर किसी विलन की चाल मालूम पड़ती है। नहीं बेटे, इसमें कोई चाल नहीं, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा अगर तू एक लड़की को इस घर में बहू बनाकर लेकर आए। हाँ मतलब ये कि 1,00,000 रुपए देकर आप मेरे कुंवारेपन का सौदा करना चाहते हैं? ठीक है, मुझे आपका सौदा मंजूर है। बेटे मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लड़की कौन है? शाटा, शाटा।
किसे से पूछकर दादाजी ने पेपर में छपाया था? ऐसा नहीं बोलते बेटी। मुझे एडवाइस कर रहा है, मैं क्या एग्जीबिशन की पुतली हूँ जो सबके सामने जाकर परेड करूंगी? नहीं 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 नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार चलकर लड़कों को देख लो। सिर्फ एक बार देख लूं? अभी देखती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तीन बार और ये चार बार। अब 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 तो कुछ भी कर ले बिटिया, लेकिन एक बार चलकर कोई लड़का पसंद कर ले। शट अप, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या कहा? शादी नहीं करेगी? हाँ मालिक, ऐसा ही बोला। सुन लिया लेडी डॉक्टर, कहती है शादी नहीं करेगी। अरे इतने आदमियों को मैंने क्यों बुलाया है, मेरी अपनी शादी में ले जाने के लिए? ठीक है, ना करे तो न सही, लेकिन उससे जाकर कह दो अगर शादी नहीं की तो मेरी ये करोड़ों की जायदाद मैं अनाथालय में बांट दूंगा। ठीक है ठीक है, बैठिए, आप आराम। मैं कह रहा हूँ उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, जाके कर दो, जाओ। ठीक है राजा साहब, सुनिए, आप बैठिए, मैं सब संभाल लूंगा। समझती क्या अपने आप को? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। रामदीन, राजा साहब को संभालो। शादी नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी। आप आराम कीजिए, गुस्सा उतारने की गोली लाओ। आराम कीजिए। मेरे पास डबल डिग्री है जी। लेकिन आपके चेहरे पे सिर्फ डेढ़ खिड़की है। मेरी फूलों की दुकान है, मैं फूल की तरह आपको रखूंगा। आप जाके किसी फूल वाली से शादी कीजिए। आप पहलवान हैं? मेरा बाप पहलवान है। आप जाकर कहीं मालिश कीजिए। मेरे बारे में इतना पुड़चिरका चुम्माइरो। सुनिए जी। सुनाइए जी। आप बहुत गिद्दे और दुबले हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला है शादी के बाद मैं लंबा और मोटा हो जाऊंगा। आप किसी डॉक्टर से शादी कर लीजिए। सुनिए, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बारे में मेरा ये ख्याल है कि आपकी आवाज बहुत पतली है। इस आवाज के बारे में आपका क्या ख्याल? हत कबूतर किस तरह ले जाए बामियार पर कतरने के लिए हैं कैंचियां दीवार पर। जवाब है कि खत कबूतर इस तरह ले जाए बामियार पर, खत का मजमू हो परों पर, पर कटे दीवार पर। तालियां। क्यों, क्या ख्याल है? आवाज अच्छी है और शक्ल ठीक है, मगर कद कुछ लंबा है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, आवाज और शक्ल मेरी ले लीजिए, कद इनका ले लीजिए, मोटाई इनकी ले लीजिए, सबको एक बक्से में डालिए और हिलाइए, आपके मतलब का आदमी बाहर निकल आएगा। आप समझती क्या है अपने आप? मंगेतर पसंद करने आई हैं या तरकारियां खरीदने आई हैं? ये लंबा है, ये छोटा है, ये काड़ा है, ये मोटा है। अरे 10 मिनट बैठिए हमारे साथ, इतनी बुराइयां निकालूंगा आपकी, खुदकुशी कर बैठेंगी। चुप रहिए। आप चुप रहिए, हम सबको अपने घर बुलाकर अपमान करती हैं हमारा। साथियों, ये हमारा अपमान है, मर्द जात की बेइज्जती है। एक औरत ने दौलत का सहारा लेकर हम मर्दों की इज्जत का उड़ाया है मजाक। इससे पहले कि ये हमें फेल करें, हम इन्हें फेल करते हैं। हाँ, हम सब मिलकर एक मंगेतर मंगेतर यूनियन, हाँ यूनियन, एक मंगेतर यूनियन बनाएंगे। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऐसी मगरूर और घमंडी लड़कियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इनके गुरूर को खाक में मिलाएंगे। बोलो मजदूर, मंगेतर यूनियन जिंदाबाद, मंगेतर यूनियन जिंदाबाद, अरे मंगेतर यूनियन जिंदाबाद, हाँ मंगेतर यूनियन जिंदाबाद, मंगेतर यूनियन जिंदाबाद, मंगेतर यूनियन जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रीटा रानी हाय हाय, अरे रीटा रानी हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कस्तो खायो कस्तो लगो, नालायक लड़की, लौटा दिया ना सबको, निकाल दिया ना सबको बेइज्जत करके। मैं जानता था तू यही करेगी, अपनी मनमानी करेगी, मेरा अरमान कभी पूरा नहीं होने देगी, मैं मर भी जाऊंगा। दादाजी, छोड़ मुझे,
मैं मर जाऊंगा पर तू अपनी जिद पर कायम रहेगी, जो जी मैं कर जा। और सुन ले, आज से मैं तेरा कोई नहीं, तू भी मेरी कोई नहीं, ना मैं तेरा दादाजी। अरे रामजी, दादाजी जल्दी आ, लाल प्यार से इतना बड़ा किया, उसका आज ये फल मिला। रीटा, भगवान के लिए अपनी जिद से बाज आओ। राय साहब की हालत देखी, अगर उनको कुछ हो गया तो सारी दुनिया क्या कहेगी? यही ना कि एक पोती ने अपने दादाजी की जान ले ली। कहने दीजिए, मैं क्या सारी दुनिया के लिए टेढ़े मेढ़े कंडे तिरपट हकले बकलों में से किसी को अपनी जिंदगी का साथी बना लूं? अरे भाई, तुम्हें ऐसा करने को कौन कहता है? फिलहाल तुम्हें शादी नहीं करना है, शादी का नाटक तो कर सकती हो ना। नाटक? हाँ हाँ, शादी का नाटक। मैं समझी नहीं। सुनो, वो जो भर्राई सी आवाज वाला लंबा सा लड़का, अरे जो बहुत भाषण देके गया अभी, वो अकड़ू। सुनो तो, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा एक्टर है, 24 घंटे उस पे ड्रामे का भूत सवार रहता है। तो मैं क्या करूं? लेकिन उसके पास ड्रामा करने के लिए पैसा नहीं है। अगर तुम उसे थोड़ा सा पैसा दे दो तो वो खुशी खुशी तुम्हारे किराए का पति बनने का नाटक कर लेगा, दादाजी खुश हो जाएंगे, और इसी बीच तुम अपने पसंद का लड़का ढूंढकर शादी कर लेना। किराए का पति? क्या कहा? किराए का पति? असंभव, असंभव। हजारों लड़कियां हमारे घर के बाहर खास लेट की लाइन की तरह हमें पति बनाने के चक्कर में खड़ी रहती हैं, और तुम हमें पति बनाने के बजाय वनस्पति बनाना चाहती हो। दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। मगर मेरी बात तो सुनिए। कभी नहीं, कभी नहीं। हम एक 12 फुट लंबा लोहे का सलिया इस कान से डालकर इस कान से निकाल देंगे, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। ये तो तुम्हारी ये मजाल कि एक कलाकार को किराए का पति बनाना चाहती हो, ये तो हमारे पकड़िए, ये तो हमारे लिए पानी में डूबने वाली बात है। अम्मा, सुनिए सुनिए। ओह डैम, ये तो बहुत ही घमंडी है, बट आई एम हेल्पलेस। देखिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, बल्कि मैं फरियाद लेकर आई हूँ। कहो फरियादी, क्या कहना चाहती हो? माँ बदौलत तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए बेचैन। देखिए, मेरे दादा मुझे अपनी जायदाद से अलग कर देंगे। हम खुश हुए। मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, कोई परवाह नहीं। और उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। और तुम उन्हें धोखा देना चाहती हो, वो भी एक कलाकार के हाथों। ये तो पकड़िए, ये तो हमारे लिए दोबारा डूब मरने वाली बात हो गई। अजीब आदमी है, पिक्यूलियर। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या, अभी पानी में गया था, अभी बाहर खड़ा है। ये आदमी है या भूत है? सुनिए, उठेरिए, सुनिए। फरमाइए। आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? हमने ये सोचा है कि इस बारे में सोचना सोचने की तौहीन है, इसलिए हमने सोचना छोड़ दिया है। प्लीज, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। और तुम्हें जिद का बुखार है उस्ताद। क्या बोले बड़े भाई? अरे, एक खूबसूरत लड़की इतने प्यार से मना रही है तो मान जाओ। अरे गुस्सा थूक दिया अभी। ऐसा ठीक है, तू बोलता तो मान जाता हूँ, गुस्सा थूक देता हूँ, वरना तुझे तो मालूम है अपने पास थूकने के लिए भी टाइम नहीं है। लड़की, सॉरी सॉरी लड़की, हम आपकी मजबूरी पर गौर करने पर मजबूर हो गए हैं। सुनाइए, आपकी मजबूरी क्या है? बस बस बस, शॉर्टकट में बात कीजिए। आपका मतलब यह है कि इस वक्त हम पेरिस में हैं और हफ्ते भर बाद आपके पति बनकर पेरिस से लौट रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, हम लौट आएंगे। चलो मामा। ठहरो लल्ला, ठहरो। इसका क्या मतलब होता है? कैसे नौजवान हो, इशारा भी नहीं समझते, इसका मतलब क्या होता है? मालूम नहीं। इसका मतलब होता है ऐसा करने से लड़के लड़कियों को मुफ्त सवारी देते हैं। जाना कहाँ है? सूरज कुंड, वहाँ मेले में मैं नाचने जा रही हूँ। चलिए। थैंक यू यंग मैन।
शो पर जरूर आना। हाँ हाय बुढ़ापा। सुस्वागतम। धन्यवाद। अरे वाह बेटे, क्या ऊंचाई पाई है तुमने। मैं तो उछल कर भी तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। हवाई जहाज का सफर कैसा रहा? जो मनुष्य एक दिन अग्नि में जल जाएगा, जलकर मिट्टी में मिल जाएगा, मिलकर हवा में उड़ जाएगा फ्लाइट 707 पे, उस मनुष्य से क्या पूछना कि उसका सफर कैसा रहा।
अरे वाह वाह, बड़े ऊंचे ख्याल है तुम्हारे बेटे। धन्यवाद धन्यवाद। भगवान करे रहती दुनिया तक आप सलामत रहें, आपकी सलामती की छत्र छाया में मुझ जैसे मामूली लोग भी सलामत रहें। अरे वाह वाह, क्या कहा बेटे तुमने। बेटी बहुत अच्छा दामाद ढूंढ के लाई हो, हालांकि मेरी समझ में कुछ नहीं आने नो क्या कहा, लेकिन बोलता है तो ऐसा मालूम पड़ता मुंह से फूल झड़ रहे। बैठ 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 बेटी। मैं तो खुद नीचे कहां बैठ गए बेटे, ऊपर बैठो मेरे बराबर। बेटी नहीं नहीं, आपके बराबर बैठकर आपकी बराबरी करके आपके बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो वो बैठता है जो बराबर होता है, जो बराबर नहीं उसे आपके बराबर बैठने का कोई अधिकार नहीं। बेटा ये बराबर और बराबरी के बारे में तुमने क्या कहा, मैं बराबर समझा नहीं। समझ में ना आए तो ही बराबर है, क्यों बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो फिर आओ बैठो मेरे बराबर। लेकिन ठीक ही तो कहता है बेटी, पति नीचे बैठा है और पत्नी ऊपर, ये अच्छा नहीं लगता। ये आपके दामाद हैं, इनको तो ऊपर बैठने कहिए। अरे हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा जी, तुम दामाद हो तुम ऊपर बैठो। जैसे आपकी आज्ञा। तुम वही बैठे रहो बेटी। अरे वाह बेटा, मैं तो समझता था तुम फॉरेन से आए हो, बिल्कुल अंग्रेज बन गए होगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम पर वहां का कोई असर नहीं हुआ। कमल कीचड़ में रहे तो क्या कीचड़ का असर उस पे पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। आचार्य धीश का कहना है कि मनुष्य को मक्खन में बाल की तरह, समुद्र में जाल की तरह और युद्ध में ढाल की तरह रहना चाहिए। तालियां। बेटे ये तालियां किस लिए, ये घर है, थिएटर का स्टेज नहीं। दादाजी, विश्व विख्यात अभियंकार स्वर्गीय नाटककार शेक्सपियर का कहना है कि दुनिया एक स्टेज है, जिंदगी उसका ड्रामा है, इंसान केवल नाम मात्र एक्टर है और मौत उसका पर्दा है। सचमुच ऐसा कहा है? हाँ। तालियां, जोर से तालियां। भाई हमारी तुम्हारी खूब जमेगी। आइसक्रीम की तरह। लेकिन दादाजी कुछ लोग हमारी आइसक्रीम पिघलाने के चक्कर में हैं। कौन 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 कौन? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, ऐसे लोग जो दुनिया को पिघलाते हैं, जलते हुए को और जलाते हैं, जमने वाले को भगाते हैं, भाड़े के टट्टू लाते हैं। भाड़े का टट्टू? जी। कौन भाड़े का टट्टू? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हारा कोई बाल बीमा का नहीं कर सकता। जी बेटा, हम चाहते हैं मेरा सारा कारोबार सारी दौलत अपने हाथ में ले लो और मुझे आराम करने दो। मगर इतनी जल्दी क्या है दादाजी? जल्दी है बेटी, इस जिंदगी का क्या भरोसा, ये तो चिराग है जिसमें तेल कम होता जा रहा है, कभी भी बुझ सकता है। नहीं बुझ सकता दादाजी, हम अपनी जिंदगी का तेल आपके कटोरे में डाल देंगे लेकिन चिराग नहीं बुझने देंगे। अरे जीते रहो बेटा जीते रहो। रैसा, आपकी दवाई का वक्त हो रहा है। आपकी तारीफ। ये हमारी फैमिली लेडी डॉक्टर है। ओहो समझ गया, हम दो हमारे दो तीसरा कभी ना हो, पत्नी से भैया दूर रहो कितनी भी अड़चन हो। ताली बजा। नहीं 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 नहीं, रिहर्सल में इतनी तालियां नहीं बजनी चाहिए दादाजी, पहले शो तो हो जाने दीजिए उसके बाद तालियां ही तालियां। कैसा रिहर्सल, कौन सा शो? आज बातें बहुत हो चुकी, आपको आराम करना चाहिए। अरे हाँ बेटी, दामाद का ख्याल रखना, इन्हें कमरे में ले जाओ आराम करने दो। हाँ, चलिए। अब मैं जाता हूँ बेटे। अच्छा चलिए, आप करें आराम हम करें विश्राम। आम के आम गुठलियों के दाम। क्यों कैसा लगा हमारा ड्रामे का पहला सीन? बंडल बंडल तो चलेंगे संडल। तुम तो बिल्कुल थिएटरकल अंदाज में बातें कर रहे थे, जैसे कि नाटक में काम कर रहे हो। तुम क्या नेचुरल एक्टिंग नहीं कर सकते? नेचुरल यानी कि स्वाभाविक। कामेश्वरी कमरे में चलो, अभी दिखाता हूँ। उठा दे पता, दिखा दे जलवा, बूंदी के लड्डू गाजर का हलवा। अम्मा बेटा शंकर, जूस मांगा और यहाँ आकर बैठ गए। I'm sorry, ma'am. ये क्या देख रहे हो बेटा? ये वहाँ पुराने राजघरानों के जेवरात बिकने को आए हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त मेरे सुपुर्द किए गए हैं।
कैलाश। यस सर। हिसार की ऑक्शन में बोली लगाने के लिए 50 लाख की जमानत है, पैसे आज ही जमा करवा दो। जी अच्छा। किसी भी हालत में यह हार हमें मिलना चाहिए। मंजू की सालगिरह पर हम उसे यह हार तोहफे में देना चाहते हैं। साइमन। हाँ? साइमन देख, ये हार देख, ये अरे साइमन, अरे सुल्तान, अरे वो क्या रहे, बुला रहे? अरे डैड, डैड, अरे आ रहे, अरे वो इंजेक्शन लाओ सुल्तान। साइमन बोल पड़ना क्या हार है ना, इसमें बहुत से लोग पैसे जमा कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन यह हार अपन अपना पास आएगा 100%, किसी का पास नहीं जाएगा, अपना पास आएगा। डेविड, दो ऑफिसर और वहां लगवा दीजिए, और जितने एग्जिट्स हैं एक एक आदमी वहां लगा दीजिए। झूठ बोलते हैं यार, फिर बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ बचाओ, मर गया। क्या फंस गया, किसी को बुलाओ, मर गया, बचा, अरे इधर तुम ऊपर। चलो चलो, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, एम्बुलेंस लाओ। हाँ मंगाता हूँ। नहीं नहीं, अरे रुक जाओ, तुम मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। साला प्लेन का टाइम हो गया, अभी तक साइमन नहीं आया, देख लगता उसका बैंड बज गया। चुप रे विक्रम। हाँ। हाँ। क्या हो गया रे? हार ला। हार नहीं, क्या पक्का हार नहीं है? अरे पन तू मेरा बात तो सुन यार, मेरा पीछे वो पड़ गया था। कौन पड़ गया था? पुलिस। फिर उसके अंदर गया, उसको उसके अंदर रख दिया। अरे किसके अंदर गया, किसको किसके अंदर रख दिया तूने? अरे वो अपना आर्ट गैलरी है ना, उसका अंदर गया, उधर एक शिव का मूर्ति था, उसके अंदर हार को रख दिया। क्या येड़े जैसी बात करता है, अपन टॉम से पैसा ले लेना। अरे पन सुबह तेरे को निकाल के ला के देंगे ना यार।
एक काम कर, अपन अभी कठमंडू जाता है, वहां जाके अपन टॉप को पटाता। अच्छा, तू कल वो हार लेके कठमंडू आ जाना। नकी। और नहीं आएगा तो? अरे शंकर, आज शाम तक सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि तुम सस्पेंड कर दिए गए हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बात सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी, अब तुम खामोशी से अपना काम कर सकोगे। यस सर। शंकर, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं जान पर खेल जाऊंगा। वन मोर पॉइंट, हार की बोली लगाने के लिए जिन लोगों ने रुपए जमा किए थे उनमें एक पार्टी नेपाल की भी है। अंडरस्टैंड? यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सुनो, खास तौर पर ये मूर्ति मैंने मेरे अंकल के लिए खरीदी है, इसे संभाल के ले जाना। जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अपना ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, हमारे अंकल बहुत शाही चीज हैं। एक दिन मैं इनके साथ ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो। इनकी खोपड़ी में जितना भूसा भरा हुआ है ना, सब निकाल देंगे। सुनो, ये खत मेरे अंकल को दे देना प्लीज, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे सुनो, अभी तो अंकल विदेश गए हुए हैं, लेकिन जब तक तुम जाओगे वहां पर वो खटमंडू पहुंच जाएंगे। अच्छा। सुनो, इस रूखे से चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट की तरी छिड़को ना। अरे थोड़ा हंसो भी यार। अरे इतना नहीं, जबड़ा फट जाएगा, थोड़ा कम। ये ठीक है? हाँ ठीक है। सुनो जी। हाँ। हेलो जानकी देवी, मैं ही बोल रही हूँ, फरमाइए। देखो, वो आपका आर्ट गैलरी में एक शिव का मूर्ति था, वो मेरे को खरीदने का है। माफ कीजिए, वो मूर्ति बिक गई। बिक गया? नहीं प्लीज, ऐसा ऐसा मत करो। वाकई में बिक गई? कौन 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 लेके गया उसको? आज की फ्लाइट से मेरा बेटा काठमांडू ले जा रहा है, राणा रणबीर सिंह के पास। क्या राणा साहब हांगकांग गए थे? जी नहीं, टोक्यो सर। Excuse me, you Mr. Shankar? Yes. आपके लिए राणा साहब ने गाड़ी भेजी है, आइए। Thank you.
वेलकम वेलकम। अरे ये तो एकदम अमित जैसा दिखता रे। राणा साहब आप ही? हाँ 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 अपन राणा है। मेरा नाम शंकर है, मंजू ने आपके नाम ये पद दिया। करना अच्छा अच्छा वो पार्सल किधर है? जी ये रहा। मेरे को तो इस पार्सल का कल से इंतजार था। हाँ लेकिन मैं तो आज ही आया हूँ दिल्ली से। साहब जी इसमें तो सिर्फ डिनर सेट है। असली पार्सल किधर है? असली पार्सल मैं समझा नहीं। ए इंस्पेक्टर अब उनसे ज्यादा होशियारी मत कर, बता कहाँ है वो शिव का मूर्ति? मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। ज्यादा बकवास मत कर, वो शिव जी की मूर्ति किधर है बता। ऐसा क्या है इस मूर्ति में जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है? इंस्पेक्टर अब बहुत हो गया, अब आखिरी बार पूछता है वो शिव जी का मूर्ति किधर है? अपन तीन तक गिनेगा, जवाब दे दे नहीं तो भेजा उड़ा देगा। एक दो तीन।
ये क्या है? अरे ये तो शिवजी की मूर्ति है, ये कैसे आ गए? मैं तो डिनर सेट लाया था। सर इस बॉक्स पे तो इंडियन एयरलाइंस का टैग है, आप तो जापान से आए। डैड ये तो नेपाल एयरलाइंस का टैग है। नेपाल एयरलाइन? पंचशंकर तो दिल्ली से आया है। प्रेम अब उनको ऐसा लगता है वो पार्सल बदल गया है, नहीं तो ये पार्सल शंकर के पास कैसे आता? हरीश जी साहब जी तुम लोग जाके एयरपोर्ट पे मालूम करो। ओके आओ। साहब जी ये तस्वीर देखिए। जानकी अमित का बीवी जी। नमस्ते। इसका मतलब है कि शंकर ही अमित का बेटा है। हाँ और वो राणा साहब के घर में मेहमान बन के आया है। साइमन राणा साहब के घर का कोना कोना छान मारो। यस सर। ये चीख कैसी? सर चीख की आवाज सुनकर तो हम भी यहां भागे आए, देखा तो शिवजी की मूर्ति यहां पड़ी थी। Yeah.
करती हो रीता रानी? अरे बत्ती तो बुझाओ। तुम एक पप्पी दो ना। मामा के बच्चे तू यहाँ क्या कर? देखा, हम मार खाने की नहीं दिल लगाने की चीज है। ठीक तो कह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे साथ एक लड़की जब साड़ी बांध कर गले में फूलों का हार डालकर लड़के के साथ अपना पल्लू बांध कर अग्नि के साथ फेरे लेती है तो वो फेरे उसकी जिंदगी को फिरा डालते हैं। फिर जहाँ लड़का फिरता है वहीं लड़की फिरती है, जहाँ लड़का जाता है वहीं लड़की जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आधी बात हो चुकी तू आधी बात कर ले। अरे आधी बात हो चुकी तू आधी बात कर ले। आज की इस रात को सुहाग रात कर ले, भर ले मेरे प्यार से, भर ले मेरे प्यार से तू सुनी मांग भर ले। आधी बात हो चुकी तू आधी बात कर ले। आज की इस रात को सुहाग रात कर ले। वाह गुरु वाह, पता लिया ना। अरे चुप चल भाग यहाँ से। ऐसी हसीना हाथ न आई तो मर जाऊंगा, मर भी गया तो खुदा को कैसे मुंह दिखलाऊंगा। ऐसी हसीना हाथ न आई तो मर जाऊंगा, मर भी गया तो खुदा को कैसे मुंह दिखलाऊंगा। चाहे आंख दिखा चलेगा, चाहे शोर मचा दौड़ेगा, चाहे आंख दिखा चाहे शोर मचा मैं बाज न आऊंगा। अरे आजा मेरी बाहों में, आजा मेरी बाहों में तू प्यार से संवर ले। आधी बात हो चुकी तू आधी बात कर ले। आज की इस रात को सुहाग रात कर ले। प्यार से तुझको नफरत है आ तुझको सिखा दूं प्यार। प्यार से जब तक समर न जाए हुस्न है ये बेकार। प्यार से तुझको नफरत है आ तुझको सिखा दूं प्यार। प्यार से जब तक संवर न जाए हुस्न है ये बेकार। इस प्यार में जो दिल डूब गया, इस प्यार में जो दिल डूब गया वो डूब के हो गया पार। प्रेम गंगा डूब के हर हर गंगे, प्रेम गंगा डूब के ये पार तो उतर ले। आधी बात हो चुकी तू आधी बात कर ले। आज की इस रात को जय ओम मंगलम सर्व मंगलम शुभ विवाह संपन्नम पुत्र प्राप्ति संपन्नम। सुहाग रात कर ले। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मुझे और बेइज्जत करने पर तुले हो, तो आज मैं ये नाटक बंद कर देती हूँ। शायद तुम भूल गए कि तुम सिर्फ एक की राय के पति हो। मैं ये अग्रीमेंट खत्म कर देती हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे और निकल जाओ यहाँ से। Get out! अरे get out! ओह मेम साहब, जरा आवाज नीचे हैं और जबान पे लगाम दीजिए। देखिए हम एक्टर जरूर हैं लेकिन हमारा भी कोई कैरेक्टर है। ये गेट आउट बाहर निकल जाओ ऐसे डायलॉग तो हमने स्टेज पर कई दफे बोले हैं। असली जिंदगी में कोई ऐसे बोले ना तो हम उसके दांत बाहर निकाल देते हैं, जबड़ा तोड़ देते हैं, फिर नकली दांत भी उसमें फिट नहीं हो सकते। आपका लिहाज कर रहा हूं इसलिए
ये लीजिए अपने 10,000, एक कलाकार की तरफ से बख्शीश। अरे ओ मामू, तू यहां क्या कर रहा है? चल, तुझे तो दिल वालों के बीच रहने की आदत है, ये कमबख्त तो पैसे वाले लोग हैं। हाँ, कौन है आप? सर जी मेरा नाम शंकर है और मैं दिल्ली से सीधा आपके पास आ रहा हूँ। दिल्ली से? जी हाँ। कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? थक गया। सर जी, आपकी भतीजी मंजू ने आपके नाम ये चिट्ठी भेजी है। मंजू ने? काफी तारीफ लिखी आपकी। सर, मुझ पर रहम करके लिख दिया होगा, वरना मैं क्या, मेरी तारीफ क्या। सर जी, आपका डिनर सेट। डिनर सेट? जी हाँ। वो तो आपके पास पहुंच गई होगी। वो नहीं, वो शिवजी की मूर्ति। शिवजी पशुपतिनाथ की जय। शंभु बना देना मेरा तंबू। सर जी, इनके लिए मैं बिल्कुल पागल हो गया था, ये ना मिलते तो मेरा तो बैंड बजाता था। बैंड? मेरा मतलब है कि हाँ, मूर्ति का खो जाना बड़े अपशगुन की निशानी होती है ना। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मूर्ति सही जगह पर पहुंच गई। सर, लेकिन सामान बदल कैसे गया? हवा में। हवा में? अब मेरा मतलब है हवाई अड्डे पर। सर, ये हवाई जहाज वाले अंधाधुन काम करते हैं, उधर का माल इधर पहुंचा देते हैं, कहीं का आदमी कहीं पहुंचा देते हैं। सर कैलाश। सर देखो, ये मिस्टर शंकर हमारे मेहमान हैं। नमस्ते। इनके लिए गेस्ट रूम करवा दो। जी, आप इनके साथ चले जाइए, रात का खाना मेरे साथ होगा। कैलाश जी, रात को हम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे। सर बहुत अच्छा। नमस्ते। सर जी, ये देखिए, आपके लिए मैं पेंटिंग्स भी लेकर आया हूँ। सर आहा, अति सुंदर पेंटिंग्स, ये भी मंजू जी ने भेजी है। खूबसूरत। और भी है, ये लीजिए। तस्वीर तुम्हारे पास? ये मेरी माँ की है। माँ? जी हाँ। ये अभी जिंदा है? जी हाँ, बिल्कुल जिंदा है, और भगवान करे इन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। सर जी हा? लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। जानकी, मेरी जानकी जिंदा है। मैं आ रहा हूं जानकी, मैं आ रहा हूं। जानकी। कौन? मैं हूं जानकी। आप? जानकी, आप? जानकी, चलो जानकी, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, चलो। अरे तुम? हाँ मैं, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन इंस्पेक्टर, आज मैं मुद्दतों के बाद अपनी पत्नी से मिल रहा हूँ। मुद्दतों बाद आप कानून से भी मिल रहे हैं, पहले कानून का हिसाब चुकाइए। नहीं इंस्पेक्टर, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। रुक जाइए। नहीं, चलो जानकी, रुक जाइए वरना गोली मार दो।
सर सर आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर कमाल, यहां के लोग तो बहुत तेज मालूम होते हैं, पुलिस वालों को सुनकर ही पहचान लेते हैं। अब आपने पहचान ही लिया तो मैं आपको इतना बता ही दूं कि मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर है और मैं यहां कुछ तहकीकात करने आया हूं। किस बात की तहकीकात करने आया? कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में एक करोड़ों की लागत का हार चोरी हो गया था तो? और उसकी बोली लगाने के लिए आपने भी पैसे जमा करवाए थे। हाँ, जमा करवाए थे। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त वो हार कहाँ है? आप कहना क्या चाहते हैं, उस हार की चोरी में मेरा हाथ था? बड़े लोगों के हाथ नहीं, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनके इशारे पर छोटे लोग चोरियां करते हैं। तो आपका मतलब है कि मैं किसी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हूं? नहीं नहीं, मैंने कब कहा। आप तो खुद ही अपने आप पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। मेरे पास आपकी फिजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है, आप जा सकते हैं प्लीज। अच्छी बात है। राणा साहब, ये मूर्ति यहां क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस मूर्ति में? खास बात तो ये है कि काफी लोग पड़े हुए हैं इस मूर्ति के पीछे। वैसे मूर्ति में तो भगवान ही होते हैं, लेकिन आजकल लोग मूर्तियों में से भगवान को निकालकर स्मगलिंग का माल भर देते हैं। जबान संभाल कर बात करो इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी राणा साहब। वैसे आपको नेपाल आए कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल, इसका मतलब है 25 साल पहले आप किसी और देश से आए हैं, और चूंकि आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं इसलिए जाहिर है कि आप हिंदुस्तान से आए। हाँ, हिंदुस्तान से आया था। हो गई तसल्ली, अब आप जाइए यहां से। लेकिन मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। मेरे जवाब खत्म हो चुके हैं, फिर भी मेरे कुछ सवाल अभी बाकी। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुझे मजबूर करे कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? कानून की काफी मालूमात है आपको राणा साहब, कहीं आप पहले वकील तो नहीं थे? इंस्पेक्टर नहीं, मुझे इसलिए याद आया कि आज से 25 साल पहले बंबई में एक बहुत ही मशहूर वकील था जो खून करके फरार हो गया था और जिसका आज तक पता नहीं चला। लुक इंस्पेक्टर, मुझे बोल लेने दीजिए राणा साहब। पुलिस की किताबों में उस वकील का जो हुलिया लिखा है वो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है। वो वकील भी आप ही की तरह लंबे कद का था। तुम्हारा कद भी तो मेरी इतना है, तो क्या तुम कातिल नहीं हो सकते? प्रैक्टिस छूट गई, लेकिन अंदाज बिल्कुल वकीलों जैसा है। देखिए वकील साहब, राणा साहब, ये बात 25 साल पहले की है, और 25 साल पहले मैं इस दुनिया में था ही नहीं, लेकिन आप थे, और 25 साल पहले जो आपकी उम्र रही होगी पुलिस रिकॉर्ड्स में कातिल की भी वही उम्र लिखी है। Shut up and get lost. Okay, sir. मैं फिर किसी रोज आऊं। वो वक्त कभी नहीं आएगा। वक्त आए ना आए, मगर
इंस्पेक्टर शंकर जरूर आएगा। कैच आउट। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है क्योंकि तूने मर्दों की जात बनाकर इस दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान किया। असल में तुम जैसी लड़की को तो कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। आंटी मगर आप तो कहा करती थी औरत मर्द के बगैर अधूरी है और मेरे लिए शादी करना जरूरी है। तुम्हारे लिए शादी करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। तो कर लो, मैं अभी जाके तुम्हारे दादाजी से कहती हूँ। नो 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 नो, दादाजी फिर से पेपर में छपवाएंगे और फिर 12 डजन मंगेतर आकर लाइन से खड़े हो जाएंगे और फिर मैं फिर तुम किससे शादी करोगी? वो गग गुरु है ना, वो तो लंबा है, चलेगा। बिजली का खंबा है, चलेगा। तार का झाड़ है, चलेगा। बड़ा घमंडी है, चलेगा बाबा, चलेगा चलेगा। यू सी आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। पुराने ससुर जी अपने इस पुराने दामाद को आशीर्वाद दीजिए क्योंकि वो अभी अभी गर्मा गर्म शादी करके आ रहा है। बहुत अच्छा किया बेटा, जीती रहो बेटी, सदा सुहागर रहो। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? मेरे रहते तुमने दूसरी शादी की, मैं इस चुड़ैल के सीने में सारी गोलियां मार दूंगी। ठहरो बेटी, मैं इससे निपटता हूँ। क्या कहा था तुमने, शादी करके आए हो? तुम कैसे शादी कर सकते हो जब तुम्हारी शादी मेरी पोती के साथ हो चुकी है? कौन सी पोती, कैसी शादी? आपकी पोती की शादी हो ही नहीं सकती। ये आपको धोखा दे सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती। तालियां। और सुनिए गुरु, वो शादी नहीं, नौटंकी थी। नौटंकी? जी हाँ, नौटंकी। ऐसी नौटंकी जिसकी टंकी में छेद था, झूठ था, फरेब था, छलावा था, धोखा था। मुझे पैसे देकर लाया गया, किराए का शोहर बनाया गया और आपसे मिलाया गया। अभी और डायलॉग बाकी है लेकिन अब मैं सारी जिंदगी किराए का शौहर नहीं बनना चाहता। मैंने किराया उतार दिया और इस खूबसूरत लड़की का शौहर बन गया। त्रिभुवन दास, त्रिलोकीनाथ वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, लज्जा शंकर झा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? ये किस जमाने की बात कर रही हैं आप देवी जी? हम तो कर भी चुके, मियाँ बीवी बन भी चुके, सिर्फ तुम्हें बताने आए थे और तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए थे। नहीं, तुम मेरे पति हो। पति? दादाजी, आपने कभी हम दोनों को साथ में देखा? कभी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए देखा? अरे हाथ तो छोड़िए, कभी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के बात करते हुए देखा? Stop it, stop it, don't stop it, please carry on, please. जी, सच सच बताओ, बात क्या है? बताता हूँ दादाजी, वो नाटक था। वो शादी एक नाटक था सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। अगर इस लड़की के साथ में चंद दिन और गुजारता तो ये किराए का बच्चा भी ले आती और कहती कि वो बच्चा हमारा है। ये सब बकवास है, बकवास है। मैं सब समझ गया, तूने मुझे बहुत बड़े धोखे में रखा, किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रखा। इस इज्जतदार खानदान की इज्जत इसी खानदान की लड़की ने मिट्टी में मिला दी, धूल में मिला दी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। हे पशुपतिनाथ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मुझे इस वक्त बुला लो। ये क्या किया तुमने? जान ले ली मेरे दादाजी की। कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे, अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते थे? खुद अपने आप ही दादाजी को सब कुछ कहना चाहती थी कि नाटक है, अब मैं शादी कर लेती हूँ, अपना घर बसा लेती हूँ। तुम और घर बसाओगी? क्यों, मैं औरत नहीं हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। माफ करना, कहना तो नहीं चाहिए, माफ करना,
कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है, आपका चेहरा देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि आपके सीने में दिल है और आप किसी से प्यार कर सकती हैं? हाँ हाँ, मैं पत्थर हूँ, मेरे पास जज्बात और एहसास ना की कोई चीज ही नहीं है। आज तक सब मुझसे डरते आए हैं, किसी ने प्यार नहीं किया। अरे मगर तुमने कहा किसी से प्यार किया है, है? पूछो आंटी से, मैंने क्या बताया था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दादाजी से कहकर तुमसे शादी करना चाहती थी। बस यही मैं तुमसे सुनना चाहता था, तालियां। दादाजी, आप जिंदा हैं? अरे जब तू नाटक कर सकती है तो हम लोग नहीं कर सकते, क्यों लेडी डॉक्टर, क्यों गुरुनाथ जी? दादाजी, अरे मैं तेरे बाप का बाप हूँ, तुझे बचपने से पाला है, तुझे खूब समझता हूँ। अरे गुरुनाथ जी, डायलॉग ठीक बोला था कि नहीं? कहाँ दादाजी, वो किराए का पति, किराए के बच्चे, वो तो भूल ही गया। अरे हाँ, भूल गया तो भूल गया, लेकिन काम तो बन जाएगा। दादाजी, एक सचमन का भांडा और फोड़ूंगा, तुम्हारे दादाजी को ना कभी दिल की बीमारी थी और ना है, जब तुम नहीं रहती हो तो खूब दवा के खाना खाते ही है। हाँ दादाजी, तू खुश है ना? जी हाँ। तो फिर चल दोनों की शादी कर दे धूमधाम। दादाजी, मगर ये तारा, तारा माय वाइफ, मेरे हरम की पत्नी, गुरु के गिराए की पत्नी। ये खानदान कौन है? बोल नहीं यार, बोलता नहीं यार। दादाजी, ये मेरे ड्रामा के डायरेक्टर हैं।
क्या हंसी, तेरे जैसा जवां कोई है महबूब का। प्यार में खेलते मार दे चोटे, ले ले मेरी जान। पिताजी और राजन की झड़प हुई और इस काली की मूर्ति से जो गोली मिली वह .32 थी। हाँ, राजन की लाश जो कि वहां पड़ी थी उसमें .38 कैलिबर की गोली मिली जो पिताजी की पिस्टल की नहीं थी। Can I help you? No, thank you. येलो पगोड़ा में जो आज मेरे साथ हुआ, कहीं पिताजी के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो फिर पिताजी बेगुनाह हैं। हेलो दिल्ली से। यस सर। यहाँ दीजिए। हेलो, क्या मैं शंकर से बात कर सकती हूँ? आप? आप कौन बोल रही हैं? मैं शंकर की माँ बोल रही हूँ। उसको गए कई दिन हो गए, ना कोई खत आया ना कोई फोन, और फिर आज उसका जन्मदिन है। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ प्लीज? हेलो 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 जानकी, जानकी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं जानकी, वक्त ने हम दोनों को एक दूसरे से इतना अलग कर दिया कि आज हम एक दूसरे की आवाज भी नहीं पहचान पा रहे जानकी। हाँ जानकी, मैं तुम्हारा अमित, तुम्हारा बदकिस्मत पति जानकी। हेलो हेलो, तुम बोलती क्यों नहीं जानकी? जानकी विश्वास करो, मैं बोल रहा हूं जानकी, जानकी। हाँ,
कैसे हैं जी? मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो ना जानकी? हौसला हौसला रखो, रो मत जानकी। मुझे माफ कर दो जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नहीं, ऐसे मत कहिए। भगवान ने मेरी सुन ली, आप मुझे फिर से मिल गए। मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ जी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अंकल। अरे तुम कैसे आ गई? ना कोई तार ना कोई टेलीफोन। मैं यूं ही आपको सरप्राइज देना चाहती थी। क्या बात है, आज सभी मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। शंकर का है अंकल, आज उसका जन्मदिन है। हाँ मुझे अभी भी मालूम पड़ा। आपको? हाँ बेटी, उसकी माँ का फोन आया था। अच्छा, जानकी आंटी का फोन आया था? हाँ मंजू। बेटा मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूं, तुम्हारी जानकी आंटी का पति वो बदनसीब इंसान मैं हूं, शंकर मेरा बेटा है। हाँ शंकर आपका बेटा है, उसे मालूम है क्या आप उसके पिता हैं? नहीं मंजू, उसे नहीं मालूम। अंकल ये बात मैं उसको बताऊंगी, प्लीज। मंजू जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जी अंकल। ये तुम शंकर शंकर बार बार कहती रहती हो, क्या बात है? अंकल कोई बात नहीं है। अंकल अंकल प्लीज। अच्छा तो ये बात है, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है भाई, देखें जरा चेहरा तो देखें। चलो शंकर नीचे हुआ। शंकर बेटा, शंकर 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 शंकर, ये क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या लगा रखा है शंकर? शंकर किताब हटाओ, किताब हटाओ शंकर शंकर। मेरा बैग बच गया। अंकल ये शंकर है बेटा। नहीं अंकल। क्या बात कर रही हो? नहीं। अरे तुमने तो इसके साथ चिट्ठी देकर भेजी थी। मैंने चिट्ठी दी थी अंकल, लेकिन इसको नहीं। अंकल ये तो बदमाश है, गुंडा है, स्मगलर है, इसने मुझे एक बार दिल्ली में फंसा दिया था। मुझे इससे कौन है? कौन है तू? बोल कौन है तू? बोल तू बोल। तापन बताता ब्रो। आपन बताता ये कौन है? ये अपना बेटा है। डैडी तुम विक्रम। वाह बेनु, तेरे यादाश की दाद देता अपन। 25 बरस बाद आपने थोबड़े को इस दाढ़ी के साथ तू पहचान गया है। वाह बड़े वाह। यहां तू राणा साहब बन के रहता है नहीं बड़ो? बहुत माल बिल दौलत बिल इकट्ठा कर लिया नहीं है? अच्छा एक बात बता, अपने हिस्से का माल कितने बड़ो? तुम्हारे हिस्से का माल? हाँ हाँ वही अपना हीरो का हार। कौन से हीरो का हार? शिव जी की मूर्ति में जो था यार। बस क्या बड़ो? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम प्रेम? इसे नहीं मालूम। इसे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम। मैक
चलिए। सुनिए, आप जानकी देवी हैं ना? हाँ जी। आपके लिए गाड़ी है। हाँ। वो नहीं आए? वो? अच्छा अच्छा, आपके पति? हाँ। वो तो तेल लेने गए। क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। रोको गाड़ी। ठीक है, रोक देते। गाड़ी रोको। हाँ। गाड़ी रोको। जी हाँ। रोको गाड़ी। रोको। ओफो। बैठे रोको। बैठ जाओ उधर। बैठ जाओ तुम। रोको। इधर चलो। रोको। ओ। बैठती हो या नहीं? गाड़ी बस। तुम गाड़ी से चलो। छोड़ो। बेटा तुम यहाँ? बेटा है। यहाँ शादी कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं अपने बेटे को पहचान नहीं सकती। देखिए, आप आपसे कोई गलती हो रही है, आप मेरी माँ नहीं है। हाँ बेटे, अब मैं तेरी माँ क्यों होने लगी? जब तक देने पति मुझसे छीन लिया था तो बेटा छीनना कौन सी बड़ी बात। मगर एक बात याद रख शंकर। एक मिनट, आपको सचमुच गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम शंकर नहीं है, मेरा नाम तो गुरु है और मेरी माँ ये है। ये झूठ है। देखिए, ये हमारा बेटा गुरु है, आप खामखा हमारे गले पड़ रही हैं। एक तो मेरा बेटा मुझसे छीन रहे हो और मुझसे कह रहे हो मैं गले पड़ रही हूँ। ये तुम डॉक्टर? डॉक्टर याद है 25 साल पहले इस बच्चे के जन्म पर तुम ही तो थी और तुम ही ने मुझसे कहा था मुझे अपने पति की अमानत बचाने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। और आज ये लोग मेरे पति की अमानत मुझसे छीन रहे हैं। बता दो इन्हें, बता दो ये मेरा बेटा है, ये मेरा। डॉक्टर तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर बोलो, डॉक्टर तुम चुप क्यों हो? अरे शादी का वक्त बीता जा रहा है, ले जाओ इस पागल औरत को यहाँ से। पागल? मैं पागल? मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। आप मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकते, छोड़ दो मुझे, मैं इसकी माँ हूँ। ठहरो, छोड़ दो इसे, मुझसे कहो क्या बात है। बाबूजी, ये लोग मेरा बेटा मुझसे छीन रहे हैं, आप तो मेरे पिता समान है। मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूँ ये मेरा ही बेटा है। रो मत बेटी, अगर ये तुम्हारा बेटा है तो कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। डॉक्टर, इस औरत के आंसू कह रहे हैं कि ये सच कह रही है, और वो सच क्या है मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। राय साहब, आप एक मिनट चुप रहिए, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। बोलो डॉक्टर। जवाब दो डॉक्टर। राय साहब, यही सचमुच गुरु की माँ है। नहीं नहीं, आप तो मजाक कर रही हैं, मेरी माँ तो ये है। नहीं नहीं, यही तुम्हारी माँ है, यकीन नहीं आता, अपने पिताजी से पूछ लो। निर्मला। हाँ भाभी, जिस रोज आप बच्चे को जन्म देने के लिए मेरे अस्पताल आई थी, आपको बच्चा तो हुआ था लेकिन फिर पहली बार की तरह मुर्दा पैदा हुआ, और जानकी ने दो लड़कों को जन्म दिया। दो लड़के? हाँ, और भाभी इससे पहले कि तुम होश में आओ भैया मेरे पास आए। निर्मला, सुना है
इस हॉस्पिटल में एक औरत ने दो बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी तक बेहोश है। तुम चाहो तो एक बच्चा। भैया नहीं, भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई चोर नहीं। निर्मला ये चोरी नहीं, दान है। और डॉक्टर का काम है जिंदगी को बचाना। तुम ये बच्चा देकर अपनी भाभी की जिंदगी को और उसको मरने से बचा सकती हो। निर्मला मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये राज जिंदगी भर राज रखूंगा। भैया ने कहा था इस राज को मैं राज ही रखूं। बेटे तुम्हारे जुड़वा भाई का नाम है शंकर। और पिताजी कहाँ हैं? वो यही है इसी शहर में, राणा रणवीर सिंह। मैं पिताजी और भैया को लेकर आता हूँ। माँ बेटा माँ का ख्याल रखना। साहब, राणा साहब, ओ राणा साहब, राणा साहब, मैं आ की मात्रा चंद्र बिंदी साहब मेरे को साहब काटना मत साहब, वो काटोगे साहब तो मैं साहब मर जाऊंगा। साहब 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 मेरे को जाने दो साहब, जाने दो, जाने दो, इधर से निकल निकल निकल। साहब 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 आप आओ साहब, आप तो उधर थे, इधर कैसे आ गए? साहब साहब देखो साहब, देखो साहब हम बैठ जाता साहब, बैठ जाता है, बैठ जाता है, जाने दो साहब, जाने दो साहब। बीच में साहब 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 काय को आता है साहब? फैमिली ड्रामा एंड पे है साहब, बाप के साथ मिलने का है साहब। देखो साहब हमारा साहब एक बहुत बड़ा ड्रामा कंपनी है साहब, उसमें साहब हम तुमको साहब एक रोल देगा साहब। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं साहब, तुम काय को नाराज होता है साहब, एक्टर नहीं बनना है तो मत बनो। हेलो इधर इधर, हाँ सलाम साहब, सलाम साहब, जाता है जाता है जाता है जाता है, इधर देखता है साहब, साहब जा रहा है जा रहा है, एकदम जा रहा है जा रहा है। फिर साहब साहब देखो पाव भी उठा लिया साहब, साहब साहब पाव उठा लिया साहब, काटला मत साहब, एकदम काटला मत, एकदम चला चला गिर 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 चला 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 गिर गया साहब साहब, काटा नहीं कट कट काटा नहीं, हाँ हाँ हाथ 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 जोड़ता साहब। हार हार साहब साहब, ये हीरो का हार साहब, ले लो साहब, रिश्वत नहीं है साहब, ले लो ले लो, चला गया साहब, रिश्वत नहीं लिया। गवर्नमेंट का आदमी मालूम पड़ता है, गवर्नमेंट का सांप मालूम पड़ता है साहब साहब, चला गया चला गया। राणा साहब 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 राणा साहब, ओ राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब। दुनिया के स्टेज से जिंदगी के ड्रामे में अपना डबल रोल निकल आया। कौन हो तुम और ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? ये वो सांप साहब ने दिया मुझे। सांप साहब ने? हाँ वो बात, वो सांप साहब है ना सांप, वो मुझे ये हार के पास ले गया और उसके बाद चला गया।
मगर तुम हो कौन? मैं तुम नहीं बल्कि तुम मैं हूं। तुम और मैं, अब मैं और तुम हैं, क्योंकि तुम और मैं अब हम बन गए हैं, और हम जो है भाई हैं। भाई? हाँ भाई, सगे भाई, जुड़वा भाई, एक ही बाप की औलाद, एक ही मां की संतान, एक ही खून की पैदाइश। ये तो उस ड्रामा राइटर की लिखाई का कमाल है कि तुम मां के साथ गोद में चले गए और मैं किसी और के झूले में लटक गया। विश्वास नहीं आता तो एक बार करे लग जाओ, दिल खुद पहचान लेगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं। विश्वास आ गया भाई? हाँ आ गया, दिल ने पहचान लिया। पहचान लिया भाई? भाई तुम्हारा नाम क्या है? गुरु। मगर पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? हाँ राणा साहब, वही तो हमारे पिताजी हैं। तो मेरा शक सही निकला। राणा साहब, राणा साहब सुनिए, सुनिए, तुम कौन हो? मैं राणा साहब का नौकर हूं। यहां कोई विक्रम नाम का आदमी आया था, उसने मुझे गोली मार दी। वो कोई हीरो के हार की तलाश में राणा साहब और छोटी बीबी जी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। विक्रम पिताजी और मंजू को कहां लेकर गया मुझे मालूम है। करो तुम इसका ध्यान रखो, मैं उनके पास जाता हूं। और सुनो, सब मेरे राणा साहब की जान, जान बचा लीजिए, राणा साहब की जान बचा। रीटा बेटी जी, ये वही गुंडे लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शंकर आबड़ो, आजा आजा, तेरी कमी आजा, अच्छे टाइम पे आया बिड़ो, आजा, आखिरी टाइम अपने बाप से मिल ले। नहीं विक्रम, मैं अपने पिताजी से पहली बार मिल रहा हूं और हमेशा मिलता रहूंगा। अपने को क्या है बिड़ो, एक बार नहीं दस बार मिल, हजार बार मिल, रोज मिल, पर अपने बाप को खाली इतना समझा दे कि जिद अच्छी चीज नहीं है, अपने को हार दे दे, दोस्त की कसम अपन सबको जाने देगा इधर से। डैड कहिए तो अभी सबका बैंड बजा दूं मैं। अरे बारात तो अभी निकली नहीं, तो बैंड क्या बजाएगा? शंकर, पिताजी जैसा मैं कहूं वैसे कीजिएगा।
पिताजी वो हार कहाँ है? मैं नहीं जानता बेटा। पिताजी माँ और हमारी जिंदगी से वो हार पड़कर तो नहीं है? देखिए आप और माँ जाइए और वो नेकलेस लाकर विक्रम को दे दीजिए, तब तक हम लोग यहां जमानत के तौर पर रहते हैं। वाह औलाद हो तो ऐसी, माँ बाप को बचाने के वास्ते खुद को कुर्बान कर रहा है। प्रेम यस डैड, जरा ये लोग के साथ चले जाना, वो हार ले आ, और अगर ये होशियारी करे तो मैं इनका बैंड बजा दूंगा डैड। चलिए राणा साहब चलिए। साले तेरा भी बैंड बजाऊंगा। प्रेम राम मोहन मैक कवर इट। आइए हजूर आइए, जरा जल्दी आइए। कहां चले गए थे सरकार मेरे? और लाने और कहां है? ये रहा। लाओ। नहीं मैं विक्रम को दूंगा। देखो ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की, सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार कर तुम्हारा बैंड बजा दूंगा, समझे? लाओ। आह नाउ मूव। अबे चल। Dad, today is a big day. The victory is ours. मैंने इन सब का बैंड बजाकर नेकलेस ले आया। शाबाश, निकाल। क्या हुआ? Dad, मेरा बैंड बज गया। अबे पाजी, पिल्लाए कुत-कुत, बिनते बगलोल, तिफले चूं-चूं, मिर्जा लखलख, नमक हराम। काम कम करते हो, बैंड ज्यादा बजाते हो। पहले ही कहा था ना कि हार हमें ले जाने दो। जरा इसे थामिए साहेब। ये रहा आपका हार। डैड मिल गया। चुप बे। ये बाल नाटक कंपनी के हैं, नाची इसको गुरु कहते हैं। आपके पास थोड़ी सी गोंद होगी, जरा बाल चिपकाने थे। नहीं खैर, बहुत अकलमंद है सरकार। दुनिया में आप आखिरी आदमी हैं जो मुझे अकलमंद समझते हैं, वरना और तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। एक बात बता जी, ये इसी सगल के कितने लोग हैं? पौन दर्जन हुजूर, एक बाप और दो बेटे। ठीक है, तुम तीनों से तो अपन बाद में निपट लेगा, पहले अपन देखेगा कि हार असली है कि नकली। मैं जी जरा लालचंद जोरी को ले आ जी। और प्रेम ये दोनों की जरा खातिर कर दे। चलिए सरकार। हाँ तुम्हारा भी बजाता हूं अभी मैं बैंड। हरीश, अरे रे रे रे। क्या कर रहे हो भाई? कहीं हमारी कमर लचक गई तो बड़ी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जाले मन, जाले जाले जिगर, छोड़ दो। Thank you.
असली क्या है नकली क्या है इनको आज बता देंगे, मरते दम तक याद रहे वो जलवा आज दिखा देंगे। क्यों बिरादर, अरे हाँ बिरादर, अरे क्यों बिरादर, अरे हाँ बिरादर। असली क्या है नकली क्या है इनको आज बता देंगे, मरते दम तक याद रहे बच्चों। ये हार नकली है क्या? असली हार किधर है बता। माय बाप, असली भी यही है नकली भी यही है, बस समझ की बात है। क्योंकि समझ समझ के समझ को समझो तो समझना भी एक समझ है। समझ गए? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गया? अरे कहां चले गए? ओ इधर आ गए, आइए। समझ गया, अपन तो समझ गया, तुमको अभी समझाता। पीछे देखो। जी पीछे देखो।
प्रेम, अमित और भाभी का वेलकम करो क्या? अब बोल, असली हार देगा या अपने माँ बाप से हाथ धो देगा? बोल। नहीं प्रेम, ठहरिए, मैं देता हूं। भाई मारो। नीचे से उठे, गोली चल गई, फिर घूम गए और गोली चल गई, फिर से घूम गए। मरना मत, मरना मत, मरना मत। खलास हो गई, अब आप मार सकते हैं। बेबी, तुम बहुत दुबली हो गई। पकड़ लिया। ये डाक पेट में घुस गए और उसके ये डाक और ये स्लो मोशन। भाग लो, पैरेलल बार पे हैंड स्टैंड। कूचा रस्सी पे पकड़ मार, बल्ला मार दे, छोड़ घुमा दे रो, पकड़ लिया, छोड़ इधर मार, पकड़, डाइव। बॉक्सिंग ग्लव, बॉक्सिंग बॉल, आजा बॉक्सिंग, ऊपर चले, नीचे से, कमाल बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग करूं, बॉक्सिंग, फिर से बॉक्सिंग, एक और बॉक्सिंग, मार, घुमा, इधर। तुम कहाँ चले? इधर, भैया, मार, मार दे भैया, मार दिया, मार दिया, इधर भी ले, उधर ले, इधर, इधर, अपर कट, लोअर कट, अंडर कट, सब कट, लोअर कट, मार दे, मार दे, मार, मार, इधर, उधर, अरे, उधर, उठा, हटा, घुट, हटा, हवा, हवा, लग गई, नॉकआउट, 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 नॉकआउट। Stop it! Arrest everybody! Hey, hey, मैं भी भाग लूँ। खोल दे दरवाजा। Thank you.
आज तुम्हारे प्रायश्चित का दिन आ गया विक्रम। बोल भैया, किसका बैंड बज गया? वो, मेरे डैडी का। सिर्फ डैडी का बैंड? मेरा भी। हाँ, बज गया ना। शंकर, 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 वापस ले दे, शंकर, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, शंकर, 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 मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, शंकर, 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 तू जानता है मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह तुम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह मैं सच्चाई जाने बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कौन सी सच्चाई, कौन सी? राजन का खून किसने किया था? राजन का खून अमित ने किया था, तेरे बाप ने। राजन का खून किसने किया था? नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं मत गिराओ से, शंकर, शंकर, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैंने किया था, मैंने। किस लिए? बदला लेने के लिए, अमित से बदला लेने के लिए। कैसा बदला? क्योंकि उसने मुझे जेल भिजवाया था। अब दे शंकर। नहीं नहीं शंकर, 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 नहीं नहीं, कहा अगले महीने की 15 तारीख को मुहूर्त निकला है दोनों की शादी का। क्या आपने सुना भी कि नहीं? अरे भाई, अगले महीने की 15 तारीख को मुहूर्त निकला है उन दोनों की शादी का। भाई तो ये सब बातें मुझसे क्यों कही जा रही हैं? अपने बेटों से कहिए। अरे शंकर। गुरु। जी पिताजी। हाँ भाई, सुना तुम्हारी माँ क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि तुम दोनों की शादी का, यानी कि ये शंकर कौन है और गुरु कौन है? अभी पता चलता है। बेटी रीटा, मंजू जी। जी आंटी। भाई तुम्हें पहचानो, इसमें शंकर कौन है, गुरु कौन है, हमारी तो नहीं समझ में आ रहा। अरे अरे क्या कर रहे हो, नकली नहीं, असली है, असली भाई। अरे 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 छोट छोट, आउच।